मेरे नवी और दसवीं के प्यारे बच्चों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण ग्रामर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखिये, प्रथम जो सेमिस्टर परीक्षा है उस परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हिंदी व्याकरण, मैं आज आपके सामने कारक यानी इसे अंग्रेजी में क्या केस कहते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है कि जो दोनों शब्दों के बीच का जो संबंध रहता है उसे कहते हैं, संबंध चिन्ह जो रहता है उसे कारक कहते हैं। इसके बिना, कारक के बिना शब्द नहीं, वाक्य नहीं बनता। अगर हमें वाक्य बनाना है तो कारक रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए देख लो, यहाँ इसके डेफिनेशन क्या है पूछो, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और एक बार ध्यान से सुनो, संज्ञा के नाम और प्रणाम के जिस रूप से क्रिया वर्ब वर्ब का प्रत्यक्ष या डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप जहां होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, राम ने रावण को मारा, इसमें अगर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, देखो राम रावण मारा, अच्छा लगता है नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ने और को ये दो क्या है, कारक चिन्ह है। राम ने रावण को मारा, इसमें अगर आप कारक निकालेंगे तो शब्द वाक्य नहीं बनता, इसलिए ये राम रावण मारना ये क्या है, तीनों शब्दों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। देखो, राम ने इसने, राम ने इसको, रावण को, क्रिया क्या है, मारने की क्रिया है। समझे बच्चों, उसमें ने को, ने अब को एक है, दो कारक है, यानी कारक का अर्थ डेफिनेशन आपको मालूम हुआ। सीधा संबंध क्या है, कर्ता और कर्म पर पड़ता है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि एक वाक्य में कर्ता कर्म और क्रियापद रहता है तब एक वाक्य बनता है। मालूम हुआ, इसमें राम क्या है, कर्ता है, कर्ता है क्या, सब्जेक्ट है। रावण क्या है, इसमें कर्म है या ऑब्जेक्ट है। कर्ता कर्म दोनों के बीच में, कर्म के बाद और कर्ता के बाद ने आया, कर्म के बाद को आया, वो माना या क्रिया है। हाँ, इसलिए कहे कि एक कारक ऐसे तरह कि दोनों कर्ता और कर्म के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। पहला देखो, कारक के भेद, कारक के भेद इसे प्रकार भी कहते हैं, कारक के प्रकार, कारक के रूप। देखो, कारक के भेद कितने हैं, कारक के प्रकार कितने हैं, कारक के रूप कितने हैं, ध्यान से सुना। देखो, हिंदी में कारक के आठ प्रकार है, हिंदी में कारक के आठ भेद है, हिंदी में कारक के आठ रूप है, ध्यान से सुना। परीक्षा में तीनों में से कौन सा भी एक शब्द आता है, कारक के कितने भेद है और वे कौन
कौन से है? पहला प्रश्न। और ऐसा प्रश्न आता है, हिंदी में तारक के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है आता है, कितने रूप है? तीन तरह के प्रश्न आते हैं, कंफ्यूज में पढ़ना नहीं चाहिए। देखो, अगर आपको हिंदी में तारक के कितने भेद है आया तो एक ही उत्तर, हिंदी में तारक के कितने प्रकार है आया तो भी एक ही उत्तर, हिंदी में तारक के कितने रूप है ऐसा प्रश्न आया तो उत्तर एक ही लिखना है। यानी सर हमें मालूम नहीं भेद, सिर्फ भेद ही मालूम है, प्रकार मालूम है, रूप मालूम है, ऐसा नहीं। तीनों में से कौन सा भी एक शब्द आता है प्रश्न। तो अभी क्या लिखना है? कारक के हिंदी में कारक के आठ प्रकार है। केस एक केसेस कारक, एक कारक आदेय इन हिंदी, आठ कारक के प्रकार है। मालूमा क्या मैंने कारक और विभक्तियां चिन्ह परसर्ग। देखो हर एक कारक कारक का एक चिन्ह रहता है, एक सिंबल रहता है, इसे विभक्ति भी कहते हैं। सफिक्स विभक्तिया सिंबल और एक इसका नाम है परसर्ग। मालूमा यहां भी एक आपको प्रश्न आता है परीक्षा में, कारक कर्ता कारक है, कर्ता कारक के विभक्ति प्रत्यय क्या है? ने है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये तीनों का देखिए होता है विभक्तिया, यानी ये ने विभक्तिया, चिन्ह यानी विभक्तिया, ने परसर यानी ने। समझा? देखो कारक का पहला प्रकार है, आठ में से पहला प्रकार है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्ता कारक इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? नॉमिनेटिव केस। उदाहरण में देखिए, राम ने पेड़ काटा, राम ने पेड़ काटा, यहां ने का प्रयोग हुआ है, कर्ता को ने जोड़ा गया है। पेड़ काटा, पेड़ काटने का था कर रहा है, राम ने पेड़ काटा। यहां क्या है बोल रहे हैं, ने का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना बच्चों, ने का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में ही प्रयोग होता है, सिर्फ ये वाक्य भूतकाल में ही रहना चाहिए, वर्तमान काल और भविष्य काल में इसका इस्तेमाल नहीं होता। मालूम राम ने पेड़ काटा, मालूम राम ने पेड़ काटेगा ऐसा नहीं होगा, राम ने पेड़ काट रहा ऐसा नहीं गलत होता है। सिर्फ भूतकाल का जो वाक्य है यानी पास्ट टेंस का जो वाक्य रहता है, इसमें ही संज्ञा के बाद या कर्ता के बाद जो चिन्ह आता है भूतकाल में, उनमें वो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। मालूम और सर्वनाम का तो उपयोग होता है, जो सर्वनाम होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध, सर्वनाम भी रहना चाहिए। मैंने आम खाया, मैंने क्या है? मैं सर्वनाम है, बना उन्हें ने, मैं के बाद ने आया, मैंने आम खाया। देखो ये भी भूतकाल में है, मैंने आम खाया नहीं होता, गलत होता है, इसलिए मैंने आम खाया।
ये मैं क्या है, प्रणाम है, सर्वनाम है, और मैं सर्वनाम, सर्वनाम का वृत्ति क्या है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। मैं, मैंने आम खाया, ये भी भूतकाल में है, ये भी भूतकाल में है, दोनों भूतकाल के वाक्य है। और इसका डायरेक्ट संबंध देखो, राम ने कर पड़ता है, कर्ता में डायरेक्ट इफेक्ट फॉल, डायरेक्ट फॉल या इफेक्ट किसके ऊपर है, राम ने पर है, राम करता है, इसे कर्ता कर्म में राम करता है और इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है, पड़ रहा है, किसने, राम ने, इसलिए इसका चिन्ह क्या है, ने है, कर्ता ने। दूसरा देखो प्रकार है कर्म कारक, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं अंग्रेजी में, कर्म कारक। उदाहरण, राम ने आम को खाया, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, राम ने आम को खाया, डायरेक्ट फल आम रूपी कर्म पर पड़ता है। इसमें आम क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट से, आम है ऑब्जेक्ट है, राम ने सब्जेक्ट है और कर्ता है, राम ने, कि राम ने यहाँ इसका इफेक्ट देखा है, फल देखा है, लेकिन अभी यहाँ इफेक्ट है, फल इफेक्ट कर्म पर पड़ता है, राम ने आम को खाया, कर्म आम कर्म है, नहीं कोई आम को दर्शाता है, देखो कोई अक्षर आम यानी ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, यहाँ के ने शब्द अक्षर कर्ता को नाम को दर्शाता है, राम ने या आम को, इसको आम को खाया, खाने की क्रिया है, यानी इसका चिन्ह क्या है, को है, यानी कर्म कारक में को मुख्य है और इसका सीधा फल कर्म पर पड़ता है, मालूम हुआ, इसमें इसका कोई भी संबंध नहीं है, समझ में आया, कि दो के कर्ता कारक कर्म कारक। तीसरा है कर्ण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, कर्ण कारक, इसका चिन्ह क्या है, कर्ण कारक का से के द्वारा, देखो से भी एक संबंध स्थापित करने का अक्षर है, के द्वारा भी एक संबंध स्थापित करने का अक्षर है, से के द्वारा। हाँ, उदाहरण क्या है, राम कलम से लिखता है, यानी ये कलम से, ये कलम क्या है, उनका सहायक है, इसमें ध्यान रखना है, कलम में माध्यम देखना चाहिए, जिस माध्यम से हम काम करते हैं वह कलम है, या जिसकी सहायता से काम करते हैं वो क्या है, कलम कारक होता है, राम कलम से लिखता है, इसमें कलम से सीधा फल किसके ऊपर जाता है, कर्म यानी कलम से के ऊपर पड़ता है, राम कलम से लिखता है, जिस माध्यम से राम काम कर रहा है, कलम से काम कर रहा है, इसलिए इसमें से आया। हाँ? और इसका हम उसी तरह परिवर्तन कर सकते हैं, राम कलम के द्वारा लिखता है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, राम कलम के द्वारा लिखता है, यानी माध्यम क्या है, कलम है, लेकिन
हम इस्तेमाल करते हैं लिखते समय के द्वारा भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या है? के से के द्वारा, ऐसे पठन करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ये तीन प्रकार और विभक्ति चिन्ह कौन कौन से याद रखना चाहिए। चौथा है संप्रदान कारक गेटिव केस। चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक गेटिव केस। संप्रदान ने क्या देना या प्रदान करना, दूसरों को कुछ न कुछ देने की क्रिया इसमें मालूम होते, देना या प्रदान करना। देखो राजा गरीब को कपड़े देता है, चिन्ह क्या है? को के लिए। चिन्ह क्या है? को के लिए। इसमें क्या हुआ है? हाँ? राम ने आम को खाया, ये क्या है? सीता पर कर्म पर है। इसमें क्या है कि देने की क्रिया है, गरीब को देना, देने की क्रिया। राजा गरीब को कपड़े देता है, नेहा शोभा के लिए, नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई। के लिए और को, ये दो क्या है? शब्द है। के लिए और को मालूम, के संप्रदान का अर्थ होता है देना प्रदान करना, करण का क्या अर्थ होता है माध्यम से काम करना, कर्म का क्या कर्म को ज्यादा फल रहता है, उसके ऊपर फल पड़ता है, करता है क्या कर्म करता के ऊपर फल पड़ता है। कर्ता को सहायक ने है, कर्म को सहायक को है, और कर्म को सहायक है से है कर्म से, और संप्रदाय का सहायक है कि गरीब को, इसमें को है लेकिन देने की भावना है, प्रदान करने की भावना है। नेहा शोभा को मदद करने लगे, क्या मदद कर रही है? नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाती है। दो उदाहरण याद किया, राजा गरीब को कपड़े देता है, चिन्ह को के लिए, नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाती है, लाई है। पांचवा है अपादान कारक के लिए अप्रेतियो केस। उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, करण कारक में से सहायक है। चिन्ह क्या इसमें? से है, से इसमें से जो है वो अलग करता है। इसमें जो से है, देखो इसमें जो सो है, करण में जो से है वो क्या है? सहायता करता है। ए से कलम से सहायता, लिखने के लिए सहायक होता है, ये सहायता करता है इसे। और ये से क्या बोल रहे क्या, कौन सा आपादान का से है? वो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। विद्यार्थी कक्षा से बाहर जा रहा है, वो सदिशय से विद्यार्थी और कक्षा अलग अलग हो रहे हैं। इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं। ये क्या दर्शाता है उन्होंने? ये अपादान का अलग क्या दर्शाता है? अलग होने की क्रिया। कर्म कारक में से क्या है? सहायक है। दो से देखो, उसमें इधर भी से है और इधर भी से है, एक से क्या करता है? कर्म कारक का से सहायक बनता है, यानी माध्यम बनता है, द्वारा बनता है। मालूम, इसमें से क्या करता है? अलग करता है। मालूम, आप अलग होने की कौन सी क्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं? मालूम,
के पिता से अलग हो गया। क्या पिताजी गांव जा रहे हैं? हाँ, पिताजी इस गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। इसमें जो शुद्ध से है वो क्या है? अलग करने की क्रिया है। दोनों में अंतर मालूम हो बच्चों कि इसमें से क्या है? माध्यम है, हेल्पिंग है वो से। इसमें क्या है? से अपादान में ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, यानी दो संज्ञा शब्दों को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पेड़ संज्ञा शब्द है, पत्ते संज्ञा शब्द है। ये पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, दिखते हैं, ये दोनों संज्ञा शब्दों को अलग कर रहे हैं। सिक्स्थवा छठवा जो है कारक संबंध कारक जेनेटिव केस। संबंध कारक में विभक्त पद क्या है? का की के रारी रे। हाँ, इसका चिन्ह क्या है? का की के रारी रे। उदाहरण के लिए देखो, राम का घर किसका घर? राम का घर। यानी संबंध देखो, ये संबंध क्या है? किसका घर है? राम का घर है। इसलिए राम और घर का संबंध है, ये उनका घर है। राम का घर है इसलिए ये संबंध क्या है? राम का घर दर्शाता है। श्याम की किताबें, किताबें श्याम की है, ये संबंध दर्शाता है। तीसरा, सुहन के दादा, एके का प्रयोग क्या है? बड़ों के लिए भी किया जाता है और बहुवचन के लिए किया जाता है। सोहन के दादा, हाँ, सोहन के किताबें, सोहन के किताबें, या सोहन की किताबें क्या है? एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आता है? के का प्रयोग दो जगह पर होता है, याद रखना है बच्चों। के का प्रयोग बड़ों के लिए होता है, रिस्पेक्ट के लिए होता है, हाँ, और के प्लूरल के लिए भी होता है। मनुआ क्या है? ये पुल्लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है, और ये बहुवचन के लिए होता है और बड़ों के लिए होता है। इसलिए सोहन के दादा संबंध क्या कहते हो? का की के सीधा फल क्या है? राम का घर, सोहन के दादा, श्याम की किताबें, सब तीनों मिलकर ही एक दूसरे का संबंध स्थापित करने का शब्द है। और एक क्या हम मेरा मेरे मेरे का इस्तेमाल करते हैं? मेरा ही मेरा घर है, ये मेरी किताबें हैं और ये मेरे दादाजी हैं, ये सब मेरा मेरी मेरे का इस्तेमाल करते हैं, तब ये संबंध कारक बनता है, रिलेशन। हाँ, एग्जाम्पल, हाउस इज रिलेटेड टू राम। हनुमान, बुक्स आर बिलोंग्स टू श्याम एंड दादाजी। हाँ, और रिलेशन सोहन के दादा है, रिलेशन और रिलेशन टू, और रिलेशन टू सोहन एंड दादा, हाँ, सोहन के दादा है, सोहन के दादा है। मेरा मेरे मेरे भी क्या है? प्रणाम है। मेरा मेरे मेरे यानी मेरा नाम, मेरा मेरा गांव यहाँ पर है, हाँ, मेरी पाठशाला अति सुंदर है, मेरे घर में चार लोग रहते, सब मेरा इस संबंध स्थापित करता है। सातवां प्रकार है अधिकरण लोकेटिव कारक। इसमें मैं और वर्ब का प्रयोग होता है, चिन्ह है। उदाहरण देखो,
मेरे घर में चार आदमी है। देखो मैं से घर में, घर में पेड़ पर, घर में हम घर में काम करते हैं, ये मैं क्या है का संबंध स्थापित करता है। पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, यहाँ क्या है स्थान के बारे में बताता है, स्थान प्लेस एंड टाइम। देखो मेरे घर में चार आदमी है, मैं क्या है ये चार आदमी के लिए बता रहा है, और स्थान कौन सा है घर है, घर और स्थान और समय क्या व्यक्ति कितने हैं। इसमें देखो पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, क्या स्थान ये अधिकरण में स्थान को दर्शाता है। आठवां और आखिरी कारक है संबोधन कारक, इसमें देखो संबोधन कारक में ये सब बीच में आते हैं। ये देखो कलम से राम ने राम को श्याम को बीच में आते हैं, कर्ता के बाद कर्म के बाद, कर्ता के बाद कर्म के बाद आते हैं सब ये कारक। लेकिन संबोधन कारक क्या है सबसे बड़ा अच्छा कारक है वो कि पहले आता है, सबसे पहले लीडर बनता है। कैसे उनका चिन्ह बनता है, अरे वाह हे भगवान मैंने क्या कर दिया। इस तरह आश्चर्यचकित होने वाला एक्सलेमेटरी विस्मयादि बोध चिन्ह